स्टडीिंग मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे पहला लेक्चर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। याद रहे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। और डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। 1928 से पहले मतलब 1928 से पहले लोगों को ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। 1928 से पहले लोग ये जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन था, लेकिन 1928 के बाद या 1928 में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो हम जानते हैं कि 1928 में ग्रिफिथ ने एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया पर किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया जो होती है ये क्या होती है, निमोनिया ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी मेमल्स होते हैं, जितने भी स्तनधारी होती हैं, उनमें निमोनिया डिसीज ओरिजिनेट करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और इसी बैक्टीरिया का यूज ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट में किया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया में दो स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेन को हिंदी में हम लोग विभेद कहते हैं। तो कई बार पूछा गया है वो कौन कौन से दो स्ट्रेन हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेन एस स्ट्रेन, जिसको हम लोग विरुलेंट स्ट्रेन हिंदी में उग्र विभेद के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्ट्रेन को बोलते हैं आर स्ट्रेन, जिसको हम लोग नॉन विरुलेंट स्ट्रेन हिंदी में अनुग्र विभेद के नाम से जानते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बिटवीन द डिफरेंस ऑफ एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में क्या अंतर है। तो आप कॉपी में नोट कीजिए, एस स्ट्रेन में निमोनिया डिसीज ओरिजिनेट करने की कैपेसिटी होती है, मतलब एस स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता होती है। सेकंड में लिखा हूं आर स्ट्रेन में निमोनिया डिसीज ओरिजिनेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब इनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं होती। सेकंड अंतर आपको पता होना चाहिए, एस स्ट्रेन का सबसे स्टार्टिंग वर्ड देखिए एस ही है, एस है, तो एस से बनता स्मूथ, मतलब एस स्ट्रेन की जो बाहरी दीवार होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो चिकनी होती है। लेकिन आर स्ट्रेन का जो स्टार्टिंग पार्ट्स या स्टार्टिंग नंबर है आर, तो आर से क्या बनेगा रफ्स, और रफ्स का मतलब होता है खुरदरा। आर स्ट्रेन की जो बाहरी दीवार होती है वो खुरदरा होती है। थर्ड अंदर आपको पता होना चाहिए, एस स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड्स की प्रोटेक्शन लेयर होती है, एस स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड्स की सुरक्षात्मक कवच होती है, लेकिन आर स्ट्रेन में पॉलीसेक्राइड्स की कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं होती। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना कि इसी स्ट्रेन का यूज ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, और किसमें किया, तो इन्होंने किया है माइस में, चूहों में। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को इंजेक्शन के थ्रू हेल्थी चूहों में इंटर किया। यहां पर लिखा हूं एस स्ट्रेन को इंजेक्ट इनटू माइस, एस स्ट्रेन को जब चूहों के शरीर में इंटर किया गया तो यहां पर चूहे मर गए, माइस डाई लिखा हूं, मतलब चूहे मर गए। चूहे क्यों मर गए, क्योंकि एस स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता होती है, और एस स्ट्रेन को अगर चूहों को दिया गया तो चूहे इसलिए मर गए क्योंकि चूहों को निमोनिया हो गया होगा। तो यहां पर ग्रिफिथ को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर ग्रिफिथ ने अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, आर स्ट्रेन को जब स्वस्थ चूहों को इंजेक्शन के थ्रू दिया गया तो यहां पर चूहे क्या थे, जिंदा थे। चूहे जिंदा क्यों थे, क्योंकि आर स्ट्रेन में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं होती। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को टेम्परेचर के थ्रू नष्ट किया, माने हीट किल एस स्ट्रेन को टेम्परेचर के थ्रू जब नष्ट किया गया और हेल्दी चूहों को दिया गया तो यहां पर चूहे जिंदा है। यहां पर चूहे जिंदा क्यों थे, क्योंकि जिनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता थी उसको तो ग्रिफिथ ने क्या किया है, टेम्परेचर के थ्रू क्या कर दिया, नष्ट कर दिया है। तो एस स्ट्रेन में हीट किल एस स्ट्रेन में कभी भी निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं होती, तो यहां पर चूहे क्या है, जिंदा है। तो तीन ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफिथ को सोचने के लिए विवश नहीं किया, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिससे ग्रिफिथ इसका रिजल्ट समझ गया। लेकिन चौथा एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया, देखिए हिट किल एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके जब हेल्दी चूहों को दिया गया तो यहां चूहे मर गए,
अब यहां चूहे क्यों मर गए? देखिए क्योंकि देखो जिनमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता थी उसको तो हमने हिट किल के थ्रू मार दिया है, मतलब इस सिस्टम में हिट किल इस सिस्टम में निमोनिया पैदा करने की क्षमता नहीं है, और आर स्ट्रेन में तो निमोनिया पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। दोनों को जब मिक्स करके चूहों को दिया गया तो यहाँ पर चूहे क्यों मर रहे हैं? अब यहाँ पर ग्रिफिथ सोचने में विवश हो गया, और ग्रिफिथ को इसका सटीक आंसर पता नहीं था कि चूहे क्यों मर गए। ग्रिफिथ ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर है जो आर स्ट्रेन से निकल के हिट किल ए सिस्टम में चला गया होगा और हिट किल ए सिस्टम को लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया होगा, जिसके कारण से ये चूहे मर गए होंगे। ऐसा सोच ओनली ग्रिफिथ का था, लेकिन ग्रिफिथ को वो कभी पता नहीं चला गया। ग्रिफिथ को उस समय ये पता नहीं था कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आर स्ट्रेन से निकल के हिट किल ए सिस्टम में जाकर हिट किल ए सिस्टम को लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, जिससे चूहों को निमोनिया हो गया और चूहे मर गए। इसलिए ग्रिफिथ ने अपना यहाँ एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। लेकिन ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है तीन साइंटिस्ट ने। तो देखते हैं तीन साइंटिस्ट कौन कौन थे। ये डिस्कस करते हैं ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और ग्रिफिथ ने जो अपना चौथा एक्सपेरिमेंट किया वहां पर चूहे मर चुके थे, और चूहे क्यों मर गए इसका रीजन ग्रिफिथ को पता नहीं था, इसलिए ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। लेकिन ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1933 और 1944 के बीच में तीन साइंटिस्ट आए, एवरी मैकलियार्ड और मैककार्थी। इन्होंने क्या किया है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज किया। तो सबसे लास्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था हिट किल ए सिस्टम प्लस आर स्ट्रेन। जब हिट किल ए सिस्टम और आर स्ट्रेन को मिक्स करके जब हेल्दी चूहों को दिया गया तो यहाँ चूहे मर गए। यहाँ चूहे क्यों मर गए इसका कारण ग्रिफिथ को नहीं पता था, लेकिन इन तीन साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज किया, और यहाँ पर के चूहे जो मर चुके हैं उसके डेड बॉडी से इन्होंने क्या किया, डीएनए आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट किया। डीएनए आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट करने के बाद इन्होंने एक कल्चर मीडिया लिया। ये एक कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया में आर स्ट्रेन हिट किल ए सिस्टम को रख के ग्रो किया गया। व्हाट इज कल्चर मीडिया? तो कल्चर मीडिया का मतलब होता है जिसमें जीवों के विकास के लिए इस सारी न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, जिसमें जीवों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हो, उसी को हम लोग कल्चर मीडिया कहते हैं। इस कल्चर मीडिया में आर स्ट्रेन और हिट किल ए सिस्टम को रख के ग्रो किया गया है। फिर क्या किया इन्होंने, इस कल्चर मीडिया में जो डेड बॉडीज हैं, जो माइस के डेड बॉडीज हैं, जो डीएनए आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट किया था, इसको इन्होंने क्या किया इसके अंदर डाल के देखा। तो इसके अंदर जब डाल के देखा तो देखता है कि इसके अंदर प्रेजेंट हिट किल ए सिस्टम लिविंग ए सिस्टम में बदल रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने सोचा कि आरएनए डीएनए और प्रोटीन में से कोई ना कोई फैक्टर है जो हिट किल ए सिस्टम को क्या कर रहे हैं, लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसी का रीजन जानने के लिए इन्होंने क्या किया, कल्चर मीडिया में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोनेस एंजाइम यूज किया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया, प्रोटियोनेस एंजाइम यूज किया। तो कल्चर मीडिया में ओनली डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए है, प्रोटीन यहां पर डाइजेस्ट हो चुका है, पर भी इसके अंदर प्रेजेंट हिट किल ए सिस्टम लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए क्या किया, आरएनएस एंजाइम यूज किया। अब आरएनएस एंजाइम को यूज करने के बाद क्या किया, यहां पर आरएनए डाइजेस्ट हो चुके हैं, पर भी इसके अंदर जो डीएनए है, तो डीएनए है तो इसके अंदर प्रेजेंट हिट किल ए सिस्टम भी क्या हो रहे हैं, लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब यहां पर 100% सब हुआ कि डीएनए ही एक ऐसा फैक्टर है जो इसके अंदर प्रेजेंट हिट किल ए सिस्टम को लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएस एंजाइम यूज कर दिया, और डीएनए एंजाइम यूज करते ही इसके अंदर प्रेजेंट डीएनए डाइजेस्ट हो चुका था, और डीएनए के डाइजेस्ट होने के कारण से हिट किल ए सिस्टम लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुए। इससे 100% प्रूफ हुआ कि डीएनए ही एक ऐसा फैक्टर है जो हिट किल ए सिस्टम को लिविंग ए सिस्टम में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो यहां पर देखिए
हिंट के लिए इस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स करके जब हेल्थ के चूहों को दिया गया तो उस चूहे के अंदर पाया जाने वाला डीएनए ही एक ऐसा फैक्टर था जो हिट किल ए सिस्टम को लिविंग ए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जिससे चूहे मर गए। इससे 100% ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। लेकिन ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सफलता ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को सक्सेस करने के लिए ये तीन साइंटिस्ट जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए एडी मैकलियार्ड और मैककार्टी। इससे प्रूफ हुआ डिस्कवरी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इससे प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल क्या है डीएनए है। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।